हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम 2020 के लिए सामान्य विज्ञान के सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। देखिए, ये 1000 प्रश्नों के सीरीज है। यदि आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो देखिए, जो भी बच्चे आरआरबी एनटीपीसी 2020 की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आज का ये वीडियो उन सभी बच्चों के लिए बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि इसकी जो परीक्षा की तिथि है 15 दिसंबर 2020 से परीक्षाएं स्टार्ट हो जाएंगी। तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए। यदि वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। पास ही में आपके बेल आइकन होगा, उसको भी दबा लें। इससे आने वाली सारी नए वीडियो नोटिफिकेशन आप सभी लोगों तक आसानी से पहुँच जाएगी। देखिए गाइस, ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है 6392409447। इस व्हाट्सएप नंबर पर एक ग्रुप बनाया गया है और इस ग्रुप में डेली लाइव टेस्ट लिया जाता है रात के 10 बजे। लाइव टेस्ट की जो फीस है वो है 100 रुपये। तो फीस आप हमें इस पेटीएम नंबर पर ट्रांसफ़र कर सकते हैं। पेटीएम नंबर मेरा है 6392409447। फीस जमा करने के बाद मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर दूंगा, जहां पर बिहार की सभी परीक्षाओं के लिए, डिफेंस की सभी परीक्षाओं के लिए, ऑल कॉम्पिटेटिव एग्जाम की परीक्षाओं के लिए लाइव टेस्ट लिया जा रहा है। तो जल्दी करिए, 100 रुपये ज़्यादा फीस नहीं है। 100 रुपये आप हमें पे करके व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड हो सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। पहला क्वेश्चन, किसी तारे का रंग दर्शाता है, किसी तारे का रंग दर्शाता है उसके ताप पर। अगला क्वेश्चन, वायुमंडल में प्रकाश के विसरण का कारण क्या है। तो वायुमंडल में प्रकाश के विसरण का कारण है धूलिकण, आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन, प्रकाश का रंग निर्धारित होता है इसके, ऑप्शन बी, तरंग दैर्ध्य से। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से किस रंग का सबसे लंबा तरंग दैर्ध्य है। सबसे लंबा तरंग दैर्ध्य कौन सा है, ऑप्शन डी, लाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे कम वेवलेंथ तरंग दैर्ध्य वाला प्रकाश होता है। ऑप्शन डी, बैगनी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसमें उच्चतम ऊर्जा होती है, किसमें उच्चतम ऊर्जा होती है। नीला प्रकाश में उच्चतम ऊर्जा होती है। हमें वास्तविक सूर्योदय से कुछ मिनट पूर्व ही सूर्य दिखाई देने का क्या कारण है। ऑप्शन डी, प्रकाश का अपवर्तन। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, क्षितिज के समीप सूर्य एवं चंद्रमा के दीर्घ वृत्ताकार दिखाई देने का क्या कारण है। तो गाइस, इसका कारण है अपवर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्षितिज के समीप सूर्य एवं चंद्रमा के दीर्घ वृत्ताकार दिखाई देने का क्या कारण है। ऑप्शन ए, अपवर्तन। खतरों के संकेतों के लिए लाल प्रकाश का प्रयोग किया जाता है क्योंकि, ऑप्शन ए, इसका प्रकीर्णन सबसे कम होता है। आकाश नीला दिखाई देता है प्रकाश के, आकाश नीला क्यों दिखाई देता है, प्रकीर्णन के कारण आकाश नीला दिखाई देता है। अस्त होते समय सूर्य लाल दिखाई देता है, तो अस्त होते समय सूर्य का जो रंग होता है लाल क्यों दिखाई देता है, ऑप्शन बी, प्रकीर्णन के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग दिखाई देता है, तो अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है, काला दिखाई देता है। आकाश नीला लगता है क्योंकि, किस वजह से आकाश नीला लगता है, क्योंकि लघु तरंग दर तरंगों की अपेक्षा वायुमंडल द्वारा अधिक प्रकीर्ण होती है। अगला क्वेश्चन, समुद्र नीला प्रतीत होता है, तो समुद्र नीला किस वजह से प्रतीत होता है, ऑप्शन बी, आकाश के परावर्तन तथा जल के कणों द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। अगला क्वेश्चन, प्रसारी विश्व की संकल्पना आधारित, प्रसारी विश्व की संकल्पना किस पर आधारित है। तो गाइस, ये आधारित है डॉपलर प्रभाव पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार में पीछे के यातायात के दृश्य अवलोकन के लिए किस प्रकार के शीशे का प्रयोग होता है,
कार के पीछे के यातायात की दृश्यावलोकन के लिए किस प्रकार के शीशे का प्रयोग होता है गाइस? उत्तल दर्पण, ये आपको ध्यान रखना है। वाहनों में पृष्ठ दृष्टि दर्पण के रूप में किस दर्पण को प्रयोग में लाया जाता है? किस दर्पण को प्रयोग में लाया जाता है? ऑप्शन बी उत्तल दर्पण। दाढ़ी बनाने के लिए काम में लेते हैं, तो दाढ़ी बनाने के लिए काम में लेते हैं ऑप्शन ए उत्तल दर्पण। अगला क्वेश्चन, धूप से बचने के लिए छाते में रंग संयोजन निम्न में से कौन सा सबसे उचित है? ऑप्शन बी ऊपर उजला नीचे काला। अगला क्वेश्चन, जब दो समांतर समतल दर्पणों के बीच कोई वस्तु रख दी जाती है तो बनने वाले प्रतिबिंबों की संख्या होती है, तो बनने वाले प्रतिबिंबों की संख्या कितनी होती है? ऑप्शन डी अनंत। अगला क्वेश्चन देखिए, जब किसी दर्पण को जीरो कोण से घूर्णित किया जाए तो परावर्तित किरण का घूर्णन क्या होगा? ऑप्शन डी 20। अगला क्वेश्चन देखिए, इंद्रधनुष के रंगों का सही क्रम क्या है? ऑप्शन डी नीला हरा पीला। अधोलिखित में कौन सा रंग इंद्रधनुष के मध्य में दिखाई देता है? हरा रंग दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दोपहर के 12 बजे किस दिशा में इंद्रधनुष दिखाई देता है? किस दिशा में दिखाई देता है? यह नहीं देख सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जल में वायु का बुलबुला जिसकी भांति व्यवहार करेगा वह है? अवतल लेंस। जल के अंदर वायु का बुलबुला व्यवहार करता है, तो जल के अंदर वायु का बुलबुला व्यवहार करता है अपसारी लेंस जैसा। अगला क्वेश्चन देखिए, दूरदृष्टि दोष निवारण के लिए काम में लेते हैं, तो दूरदृष्टि दोष निवारण के लिए काम में लेते हैं उत्तल लेंस। अगला क्वेश्चन, निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए निम्नलिखित में कौन सा लेंस उपयोग में लाया जाता है? कौन सा लेंस उपयोग में लाया जाता है? नतोदर कॉनकेव। अगला क्वेश्चन, निकट दृष्टि दोष को ठीक किया जाता है, ये ठीक किया जाता है ऑप्शन बी अवतल लेंस प्रयुक्त करके। अगला क्वेश्चन, जब एक व्यक्ति तीव्र प्रकाश क्षेत्र से अंधेरे कमरे में प्रवेश करता है तो उसे कुछ समय के लिए स्पष्ट दिखाई नहीं देता है, बाद में धीरे धीरे उसे चीजें दिखाई देने लगती हैं, इसका कारण क्या है? ऑप्शन डी आंखों का अंधेरे के प्रति कुछ समय में अनुकूलित होना। अगला क्वेश्चन देखिए, किसी व्यक्ति का पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए एक समतल दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई होती है? ऑप्शन बी व्यक्ति की ऊंचाई की आधे। अगला क्वेश्चन, पढ़ने में काम आने वाले ग्लासेस किस प्रकार के लेंस से बनते हैं? ये जो ग्लासेस होते हैं किस लेंस के बनते हैं? ऑप्शन बी उत्तल। अगला क्वेश्चन, खोज बत्ती सर्च लाइट में दर्पण जो प्रयुक्त होता है वह है? नतोदर दर्पण। अगला क्वेश्चन, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी होती है, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? 25। अगला क्वेश्चन, धूप के चश्मे की पावर होती है, धूप के चश्मे की पावर होती है 0 डॉप्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आंख के रेटिना की परंपरागत कैमरा के निम्नलिखित में से किस भाग से तुलना की जा सकती है? तो किस भाग से तुलना की जा सकती है? ऑप्शन ए फिल्म। अगला क्वेश्चन, किसी अपारदर्शी वस्तु का रंग उस रंग के कारण होता है जिसे वह परिवर्तित करता है? अगला क्वेश्चन, एक रंगीन टेलीविजन में तीन आधारभूत रंगों के मिश्रण से रंग बनते हैं, ये हैं लाल हरा तथा नीला। अगला क्वेश्चन, जब लाल नीले तथा हरे प्रकाश का पुंज एक स्थान पर पड़ता है तब प्रकाश का रंग हो जाता है, तब प्रकाश का रंग हो जाता है ऑप्शन डी सफेद। अगला क्वेश्चन, तीन रंग मूल रंग हैं, ये हैं नीला हरा और लाल।
अगला क्वेश्चन, भाप से हाथ अधिक जलता है अपेक्षाकृत उबलते जल से, क्योंकि ऑप्शन ए भाप में गुप्त ऊष्मा होती है। अगला क्वेश्चन, कितने डिग्री पर सेंटीग्रेड एवं फारेनहाइट तापक्रम समान रहते हैं? -0 डिग्री। अगला क्वेश्चन, एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर का ताप कितना होता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 37 डिग्री सेल्सियस। अगला क्वेश्चन, केल्विन मान से मानव शरीर का सामान्य ताप कितना होता है? 310। अगला क्वेश्चन देखिए, सेल्सियस स्केल पर मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होगा? 36.9 डिग्री। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है कि ठंडे देशों में पारा के स्थान पर अल्कोहल को तापमापी द्रव के रूप में वरीयता दी जाती है, क्योंकि ऑप्शन ए अल्कोहल का द्रव्यमान निम्नतर होता है। अगला क्वेश्चन, स्वचालित इंजनों हेतु निम्नलिखित में से कौन सा एक हिमरोधी के तौर पर प्रयुक्त होता है? एथिलीन ग्लाइकॉल। अगला क्वेश्चन, परम शून्य ताप क्या है? परम शून्य ताप, तो गाइस परम शून्य ताप है सैद्धांतिक रूप से न्यूनतम संभव तापमान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गर्म करने से विस्तारण, तो गर्म करने से विस्तारण पदार्थ का घनत्व घटा देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जब बर्फ पिघलती है तब क्या होता है? जब बर्फ पिघलती है तो इसका आयतन घटता है। अगला क्वेश्चन, थर्मोस्टेट का संबंध है, तो थर्मोस्टेट का संबंध किससे है? ऑप्शन सी तापक्रम से। अगला क्वेश्चन, थर्मोस्टेट वह यंत्र है जो किसी निकाय का तापक्रम स्वनियंत्रित करता है। अगला क्वेश्चन, रेफ्रिजरेटर में थर्मोस्टेट का कार्य क्या है? रेफ्रिजरेटर में ऑप्शन सी एक समान तापमान को बनाए रखना। अगला क्वेश्चन, रेफ्रिजरेटर में खाद्य पदार्थ ताजा रखने हेतु सुरक्षित तापमान कितना होना चाहिए? 4 डिग्री सेल्सियस। अगला क्वेश्चन, वह थर्मामीटर जो 2000 डिग्री सेल्सियस मापन हेतु उपयुक्त हो वह है? आज का हमारा सबसे लास्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का सी वाला ऑप्शन पूर्ण विकर्ण पायरोमीटर ये सही रहेगा। दोस्तों यदि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे, ये हमारा रेलवे एनटीपीसी का पहला वीडियो था, इस पर आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दें, वीडियो को लाइक करें, ताकि मैं जो साइंस की मैंने 1000 क्वेश्चनों की सीरीज स्टार्ट की है वो मैं ख़त्म कर सकूँ। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग प्यार दें और शेयर भी करें, लाइक भी करें। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें आप लोग, पास ही में आपके बेल आइकन होगा उसको भी दबा लें, इससे आने वाली सारी नए वीडियो नोटिफिकेशन आप सभी लोगों तक आसानी से पहुँच जाएगी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।